किसानों के भारत बंद का मिला जुला रहा असर। कहीं रोकी गई सड़कें तो कहीं रेलवे ट्रैक पर बैठे लोग। ऑल इंडिया किसान यूनियन का दावा, 25 राज्यों में भारत बंद को कामयाबी। सिंघू बॉर्डर पर बैठे एक किसान की हार्ट अटैक से मौत। किसान यूनियन ने कहा, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारी, अगले 6 महीने में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में विधानसभा चुनाव में भी हराएंगे। भारत बंद के रुझानों पर बोले राकेश टिकैत, सब कुछ तो नहीं कर सकते बंद, आवाजाही भी रखनी थी जारी। 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने किया था बंद का आह्वान। जर्मनी के आम चुनाव में सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत। शुरुआती नतीजों में वोटों का मार्जिन कम। एसपीडी को 25% से ज्यादा वोट। एंजेला मर्केल की सत्ताधारी पार्टी को 24.1% वोट मिले। ग्रीन्स पार्टी अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन में 14.8% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर। एग्जिट पोल में एसपीडी और एंजेला मर्केल की पार्टी के बीच देखी गई थी कांटे की टक्कर। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा शासित तीसरा राज्य उत्तर प्रदेश, जहां कैबिनेट में की गई फेरबदल। रविवार को 7 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। राहुल गांधी के करीबी रहे सिर्फ ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद ही योगी कैबिनेट में किए गए शामिल। पद मिलने के बाद बोले जितिन, यह प्रमोशन या डिमोशन की बात नहीं, इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात मंत्रिमंडल में किए गए थे बदलाव। सोमवार को शेयर बाजार के शुरुआती दिन इक्विटी बेंचमार्क में देखा गया उतार चढ़ाव। दिन भर के कारोबार में 60,400 से ऊपर उछला सेंसेक्स 60,077 के स्तर पर हुआ बंद। 1.9 अंकों की मामूली उछाल के बाद 17,855.10 पर बंद हुआ निफ्टी। मार्केट में मारुति में अच्छी खरीदारी। शेयरों में 6.5% की देखी गई बढ़त। FMCG, IT और फार्मा सेक्टर को छोड़ अन्य सभी सेक्टर्स के इंडेक्स में रही बढ़त। सरकारी संस्था लेबर ब्यूरो द्वारा तिमाही आधार पर किए गए रोजगार सर्वे में अप्रैल जून महीने के बीच रोजगार में 29% बढ़ोतरी का दावा। सर्वेक्षण में शामिल 10 से अधिक श्रमिक प्रतिष्ठानों में 9 मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन और रेस्टोरेंट, IT, BPO और फाइनेंशियल सर्विसेज में रोजगार में सुधार का दावा। सर्वे में चालू वित्त वर्ष की तिमाही की 2013-14 में समान अवधि से की गई तुलना। और इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। 64 मैचों में किया अपने देश का प्रतिनिधित्व। 195 टेस्ट विकेट और 5 टेस्ट शतक भी रिकॉर्ड में शामिल। अपने बयान में बोले मोइन, भारत के खिलाफ सीरीज के दौरान लिया था रिटायरमेंट का फैसला। मोइन अली ने कहा, उनकी वजह से अन्य मुसलमानों को मिलेगी खेलने की प्रेरणा।